हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज हम इस स्टूडियो में देखने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4। ओके, जो कि आता है हमारे गेट लाइफ साइंस में। ओके, और गेट बीटी में भी माइक्रो मतलब बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी ये आपको यूजफुल है, बट स्पेशली गेट लाइफ साइंस। ओके, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, सेल बायोलॉजी पार्ट नंबर 4। इसके पहले के 3 पार्ट्स मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए, वो अगर आपने देखने होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी कभी रिपीट पूछे जाते हैं डायरेक्टली। सो ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोल्चिसिन इनिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। मतलब जो कि स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसको हमारे कोल्चिसिन ड्रग से वो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। ओके, मतलब उसका मैकेनिज्म है, कोल्चिसिन इनिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस इन अ सेल मेनली टेक्स प्लेस इन। मतलब मेनली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं हमारे सेल में, जो कि होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेल में मतलब सेल का जो ऑर्गेनल्स रहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोजोम्स हो गए, गोल्गी एपरेटस हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लाइसोजोम्स, बट मेनली कहाँ पर होते हैं हमारे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, मतलब लाइक मेटाबॉलिज्म, वो होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, याद रखिए, द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस इन अ सेल मेनली टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रोडोटॉक्सिन अ हाईली पॉइजनस टॉक्सिन फ्रॉम फॉफर फिश एक्ट्स ऑन सोडियम चैनल। कहाँ पर एक्ट होता है टेट्रोडोटॉक्सिन, जो कि पॉइजनस टॉक्सिन है, फ्रॉम पफर फिश। ओके, ये एक्ट होता है हमारे सोडियम चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइट्स रेजिस्ट शेयरिंग फोर्सेस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू नैरो ब्लड वेसल बिकॉज दे कंटेन द मेश वर्क ऑफ स्पेक्ट्रिन। ओके, एरिथ्रोसाइट्स रेजिस्ट शेयरिंग फोर्सेस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू नैरो ब्लड वेसल्स बिकॉज दे कंटेन द मेश वर्क ऑफ स्पेक्ट्रिन। याद रखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेक्ट्रिन। द मोस्ट अबंडेंट एटम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हाइड्रोजन। ऑब्वियसली मोस्ट मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द मोस्ट अबंडेंट एटम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ग्रुप कंटेनिंग ओनली द पेप्टाइड हार्मोन्स। मतलब सिर्फ हमें पेप्टाइड हार्मोन्स बताने हैं। ओके, ऑप्शन ए में देखिए वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, एपिनेफ्रिन है, बट एपिनेफ्रिन हमारा अमाइनो कंटेनिंग है। ओके, वो तो पता ही आपको। और नेक्स्ट लास्ट में देखिए वैसोप्रेसिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकेगॉन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन हमारा आयोडो कंटेनिंग है, मतलब थायरॉयड कंटेनिंग है। और जो लास्ट ऑप्शन नंबर 4 है, लाइक ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड सोमेटोस्टेटिन, ए हमारे पेप्टाइड हार्मोन से। ओके, याद रखिए, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड सोमेटोस्टेटिन, याद रखिए, ये तीनों हमारे पेप्टाइड कंटेनिंग हार्मोन से। नेक्स्ट, वायरल एनकोडेड रास ऑनकोजिन ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल मैमिलियन सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। वायरल रास प्रोटीन डिफर फ्रॉम इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट बाय डिमिनिशिज जीटीपेज एक्टिविटी। ओके, वो क्या करता है वायरल रास प्रोटीन, जो कि डिफर है इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट से बाय द एक्टिविटी ऑफ डिमिनिशिज जीटीपेज एक्टिविटी। डिमिनिश मतलब कम करता है। ओके, लाइक डिक्रीज जीटीपी की एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी थ्रू अ लिपिड बायलेयर ऑफ द मॉलिक्यूल आयंस आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है हमें विद द मतलब परमेबिलिटी क्रॉसिंग। ओके, थ्रू लिपिड बायलेयर, सबसे पहले कौन क्रॉस होगा, ऑक्सीजन, फिर आइसोल्यूसिन, फिर टायरोसिन और लास्ट में हमारा सोडियम। कभी भी हमें बिग और स्लो याद करना होता है, मतलब हायर किसकी होती है, लोअर किसकी होती है, उसके बेसिस पर हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हायर किसकी है, ऑक्सीजन की, और लोअर सोडियम की। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ओनली वन इज करेक्ट, मतलब चार स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से सिर्फ एक करेक्ट है हमारा, वो क्या है वो बताना है हमें। देखिए सब पॉइंट्स यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन के रिलेटेड लिखे हैं, मतलब दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज इन द कॉर्पस लूटियम। ओके, प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज इन द कॉर्पस लूटियम एंड इट प्रिपेयर्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर एक इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस लूटियम से, और वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उन्होंने आगे क्या दिया है, प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज इन द ओवरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, सेक्स कैरेक्टर्स, नहीं ये गलत है। प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये भी गलत है। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज इन द कॉर्पस लूटियम एंड इट प्रिपेयर्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर एग इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सही पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट लिपोप्रोटीन्स, करेक्ट, मतलब नीचे चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमारा लिपोप्रोटीन्स के बारे में कौन सा है, कौन सा सही है वो बताना है। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो लिपोप्रोटीन्स के बारे में उन्होंने पॉइंट्स दिए उनमें से करेक्ट पॉइंट जो है लिपोप्रोटीन्स का वो हमें बताना है। सो उसका करेक्ट पॉइंट क्या है दोस्तों लिपोप्रोटीन्स का, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिपोप्रोटीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी, मतलब जो लिपोप्रोटीन्स रहते हैं उनका जो मास रहता है, ओके, वो उसके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जितना मास ज़्यादा उतनी डेंसिटी कम और जितनी डेंसिटी कम उतना मास ज़्यादा। ओके, सो यही उसका करेक्ट आंसर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिपोप्रोटीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर्स है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मैच द पेयर्स, मतलब इसमें से क्वेश्चन जाने का नाम भी नहीं बनता। ओके, देखिए मैच द पेयर्स, एपोप्टोसिस के बारे में क्या बताता हूँ मैं दोस्तों आपको, कैस्पेजिस एंजाइम्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, टी सेल रिसेप्टर में क्या होता है, CD3 कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब टी सेल CD3, टी सेल, टी मतलब थ्री, थ्री मतलब सी, अल्फाबेट का थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी, ABCC, और देखिए CD3 थ्री दिया है, थ्री मतलब टी। नेक्स्ट, 5-hydroxytryptamine, ओके, ये क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखिए। नेक्स्ट, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक एडेनिलाइट, एड्रेनर्जिक एडेनिलाइट, ऑप्शन नंबर थ्री देखिए, एडिनलाइट साइक्लेज, मतलब उसमें ही आंसर मिलता है हमें। नेक्स्ट, कोल्चिसिन, कोल्चिसिन का क्या है दोस्तों, माइटोटिक स्पिंडल, मतलब अभी हमने एक ऑप्शन देखा था कि कोल्चिसिन का मैकेनिज्म, कोल्चिसिन इनहिबिट्स माइटोटिक स्पिंडल, सो ओके, ऑप्शन टी का डी, चलिए देखते मिलाकर देखते हैं, एपोप्टोसिस, कैस्पाजिस, टी सेल रिसेप्टर, CD3 कॉम्प्लेक्स, 5-hydroxytryptamine, न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब हिस्टामाइन भी बोलते हैं हम उसको, 5-hydroxytryptamine को, लाइक सेरोटोनिन वगैरह, ओके, सेरोटोनिन को ही बोलते हैं 5-hydroxytryptamine। नेक्स्ट, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एडेनलाइट साइक्लेज, कोल्चिसिन, माइटोटिक स्पिंडल, मतलब वो इनिबिट करता है, ओके, उसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे सिर्फ 9 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों गेट के। ओके, सो रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, मतलब मेनली जो स्टेरॉयड्स ड्रग रहते हैं, मतलब स्टेरॉयड्स हार्मोन रहते हैं, उनके रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली या सो इन साइटोप्लाज्म में मिले जाते हैं, रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स आर इन्वॉल्व इन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फॉस्फोलिपिड्स हर जगह प्रेजेंट रहते हैं बट एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो क्या है, सेल सेल रिकॉग्निशन, ओके, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स पाए नहीं जाते, बट बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन, सर्फैक्टेंट फंक्शन इन द लंग्स, मीडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यहाँ पर हमारे फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं बट सेल सेल रिकॉग्निशन में नहीं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब अभी हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में करेक्ट पॉइंट बताना है, मतलब हमने पहले क्या देखा था,
तो प्रोजेस्टेरोन के बारे में सही पॉइंट बताया, उसके बाद लिपोप्रोटीन्स के बारे में बताया, अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बताना है। ओके, मतलब इस पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव द कार्बोहाइड्रेट लिंक टू द प्रोटीन बाय आइदर यन और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का हैव द कार्बोहाइड्रेट लिंक टू द प्रोटीन बाय आइदर यन और ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कैंप लाइक साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है उसको कैंप एक्टिवेट्स नहीं करता है बट बाकी के सभी को कैंप एक्टिवेट्स करता है। सो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम रहता है हमारा उसको कैंप एक्टिवेट्स नहीं करता है बट बाकी को सबको करता है। मतलब किस किस को करता है, लाइक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को करता है, 6-फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को करता है और प्रोटीन काइनेज ए को करता है बट हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट्स नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन्स यूज साइक्लिक एएमपी एज द सेकेंड मैसेंजर। सो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो एफएसएच हार्मोन्स रहते हैं हमारे वो कैम्प को एज अ सेकेंड मैसेंजर यूज़ करते हैं। ओके, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूजेस साइक्लिक एएमपी एज द सेकेंड मैसेंजर। फोलिकल स्टिमुलेटिंग में आपको पता है लाइक न्यूट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब लास्ट अभी 4 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इनर सर्फेस ऑफ अ क्लोज मेम्ब्रेन और वेसिकल बिकम्स द आउटर सर्फेस ऑफ अ क्लोज मेम्ब्रेन और वेसिकल। सो एक्जोसाइटोसिस ऑफ अ सिक्रेटरी वेसिकल। ओके, इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये थेरोटिकल है, उन्होंने लिंकेज करने में पूछा है। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू, मतलब गलत है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सो गलत क्या है, दे आर सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ लिपिड बायलेयर्स। एक गलत पॉइंट है और बाकी के सभी हमारे सही है। सही कौन कौन से है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर कोवेलेंटली बाउंड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सही है, दे आर लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स विथ क्लोज बाउंड्रीज। ए भी सही है, दे कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट मेडिमेट देयर डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ए भी सही है, बट दे आर सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ बाय लिपिड बायलेयर्स। ए पॉइंट गलत है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, मतलब सेल बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, द आइसोमराइजेशन ऑफ दिस क्रोमोफोर, द आइसोमेराइजेशन ऑफ दिस क्रोमोफोर बाय लाइट इज द फर्स्ट इवेंट इन विजुअल एक्साइटेशन ऑफ 11C रेटिनल। मतलब हमें कलर दिखता है, लाइक क्रोमो मतलब कलर। ओके, क्यों दिखता है लाइट पड़ने के बाद आइज में? सो सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक्साइटेशन किसका होता है, 11C रेटिनल का एक्साइटेशन होता है, तभी हमें क्रोमोफोर दिखता है, मतलब लाइट दिखती है। ओके, हर एक कंपाउंड के अलग अलग। सो दोस्तों इसी तरह से हमारा यूनिट नंबर 4 कवर हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, गेट लाइफ साइंस। ओके, यूनिट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 4, इसके 3 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, वो जाके देख लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए PYQs के साथ। थैंक यू।